नमस्कार, मैं हूं अपराजिता। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की फटाफट 30 खबरों की ओर। भारत में बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हालांकि बुलेट ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों को खास तरह के परीक्षण से गुजरना होगा। इसके लिए जापान भारत में खास उपकरण लगाने जा रहा है। दरअसल बुलेट ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों को जापान द्वारा निर्मित अत्याधुनिक सिमुलेटरों से विशेष परीक्षण मिलेगा। दरअसल सिमुलेटर एक तरह की डिवाइस है। इसके माध्यम से परीक्षु को आभासी वातावरण दिया जाता है, जिससे वह उन चीजों को महसूस कर सके। पटना के एसएसपी मानोजीत सिंह ढिल्लों को बर्खास्त करने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और ये लोग अपने ही प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। इन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने इतना तक कह दिया कि आरएसएस कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। वहीं यादव ने कहा कि विरोधी ताकतों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है, साथ ही जो लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं उसे निपटने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने बैठक में सर्वसम्मति से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। बिहार पुलिस द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताए गए मॉड्यूल गजवा ए हिंद के व्हाट्सएप ग्रुप से आपत्तिजनक चैट सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक MS ढिल्लों के अनुसार दिन में पहले फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किए गए मार्गो अहमद दानिश उर्फ ताहिर के फोन पर दो ग्रुप मिले थे। पाकिस्तानी नंबर का उपयोग करके बनाए गए पहले ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, यमन और अन्य खाड़ी देशों सहित 181 से अधिक। एक अन्य ग्रुप जनवरी में बनाया गया था, जिसमें 8 सदस्य बांग्लादेश से थे, एक पाकिस्तान से और एक वह स्वयं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि विराट कोहली को अब तक बाबर आजम के ट्वीट का जवाब दे देना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो दोनों देशों के आपसी संबंधों में सुधार आता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विराट की तरफ से जवाब की कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इन दिनों खराब फॉर्म में चल रहे पूर्व कप्तान कोहली के लिए ट्वीट कर समर्थन किया था। बीते दो वर्ष तक कोरोना के कहर के बाद इस बार कांवर यात्रा शुरू हो रही है। शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। शिवालयों में घंटियों की आवाज तरंगित कर रही है। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। ऐसे में बात करते हैं सोनपुर में स्थित बाबा हरिहरनाथ की। मान्यता है कि इस पावन भूमि पर भक्त की पुकार पर खुद हरि और हर पधारे हैं। यह पावन भूमि हरिहर क्षेत्र सावन मास में शिवमय हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को इसे लेकर पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि टीकाकरण पर NTAGI की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन में हैं। चित्रकूट से इटावा को जोड़ने वाले 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये मोदी योगी सरकार है, हम विकास को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखते बल्कि गाँवों तक ले जाते हैं। एक महीने के दौरे पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए स्थित अपने घर पर पहुंचे तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा पत्रकारों से बातचीत दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर भी बात की। हालांकि ये दलाई लामा की पूर्ण रूप से धार्मिक यात्रा है, इसके बावजूद उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद पर कहा कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। देर सवेर आपको इस समस्या को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना होगा। सैन्य बल का इस्तेमाल अब पुराना तरीका हो गया है। संसद का मॉनसून सत्र इस बार 18 जुलाई शुरू हो रहा है। 26 दिनों तक चलने वाला इस सत्र के दौरान इस बार कई अहम बिल है जिन्हें सरकार पास करना चाहती है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा 24 नए बिलों को सरकार पेश करेगी, जिसमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2022 भी शामिल है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। एशिया के सबसे कामयाब शॉर्ट पुट खिलाड़ी तंजीरदर पाल सिंह तूर ने चोट की वजह से इन खेलों से हटने का फैसला किया है। तूर फिलहाल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने शनिवार सुबह इस इवेंट में हिस्सा नहीं लिया। बाद में खबर सामने आई कि उन्हें ग्रोइन इंजरी हो गई है। मुजफ्फरपुर में इस बार कांवड़ मेले को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए कांवड़ मार्ग और संवेदनशील इलाकों में 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया, जिसके लिए बकायदा मेन पॉइंट माने जाने वाले शिव चौक पर गुरुवार को एसएसपी मुजफ्फर नगर विनीत जायसवाल द्वारा एक कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया गया, जहां इन सभी सीसीटीवी कैमरों से कांवड़ मार्ग पर पुलिस द्वारा नजर रखी जाएगी। देश में रुपया के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 अंक के ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें पीएम मोदी के पुराने भाषणों की याद दिलाई है। राहुल ने लिखा कि देश निराशा की गर्त में डूबा है, ये आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी, उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे आज रुपए की कीमत तेजी से गिरती देखकर उतने ही मौन है। सिंगापुर ओपन में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने धमाल मचा दिया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान की गैर वरीय साइना कावाकामी को सीधे सेटों में हराया। बता दें कि फाइनल के लिए पीवी सिंधु और साइना कावाकामी के बीच सेमीफाइनल हुआ, जो सिंधु ने 21-15 21-7 के अंतर से आसानी से जीत लिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से पहले विनिर्माण इकाइयों को हरित विकल्पों को अपनाने के लिए तैयार करने और लोगों को विकल्प मुहैया कराने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों को जबरन लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लागू करने से पहले राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक तक नहीं की। सेना ने शुक्रवार रात जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला एलओसी के बार कर भारत आई थी। अधिकारियों ने बताया कि महिला की पहचान पाकिस्तान में इस्लामाबाद के फिरोजाबंदा इलाके की रोजीना उम्र 49 वर्ष रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और सेना उससे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ही उसके मकसद का पता चलेगा। भारत समेत दुनिया के 70 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स ने अपने पैर पसार दिए हैं। केरल में मंकी पॉक्स का केस मिलने के बाद भारत सरकार सतर्क हो गई है। दूसरी ओर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद सुब्रमण्यम ने कहा कि केरल के साथ लगी सीमा पर हमने पेट्रोलियम बढ़ा दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। भारत ने बीते दिन शुक्रवार को नेपाल को बाढ़ और आपदा राहत सामग्री की खेप सौंपी। भारतीय दूतावास के बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने यहां गृह मंत्रालय के एक कार्यक्रम के दौरान नेपाल के गृह मंत्री बालकृष्ण खंड को राहत सामग्री सौंपी। इसमें 3,000 टेंट और 10 मोटर चालित नौकाएं भी शामिल हैं। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में 64 दिन तक जेल में रहने वाले राज कुंद्रा अब अपने ऊपर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम यूटी नंबर 69 है। इस फिल्म में राज कुंद्रा खुद एक्टिंग करेंगे, मतलब यूटी नंबर 69 मूवी उनकी डेब्यू फिल्म होगी। बता दें यूटी नंबर 69 वही बैरक है जहां राज कुंद्रा जेल में कैद थे। फिल्म यूटी नंबर 69 की शूटिंग महज 18 दिनों में पूरी हो गई है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग मुंबई में ही हुई। केंद्र सरकार ने 75 दिवसीय फ्री बूस्टर डोज अभियान के पहले ही दिन यानी 15 जुलाई को वैक्सीनेशन में 16% का उछाल देखा और महज एक दिन के अंदर 13.2 लाख डोज दी गई। बता दें कि इसी सप्ताह स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों में खुलासा हुआ था कि 92% व्यस्त आबादी ने कोरोना की एहतियाती बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी। 18 से 59 आयु वर्ग में 77.10 करोड़ की लक्षित आबादी में से 1% से भी कम को एहतियाती डोज दी गई थी। हिमालय की गोद में बसे नेपाल की सैर करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह एक शानदार मौका साबित होगा। IRCTC अगस्त में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नेपाल की धार्मिक यात्रा के लिए एक किफायती टूर पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज का नाम नेचुरल नेपाल एक्स भोपाल रखा गया है। यह एयर टूर पैकेज में आपको काठमांडू और पोखरा घूमने का मौका मिलेगा। 8 अगस्त 2022 को 6 दिन और 5 रातों के यह टूर शुरू होगा। इस पैकेज में आपको फ्लाइट के जरिए भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से काठमांडू ले जाएगी।
एनडीए के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी ने आज अपने और अपने सहयोगी दलों के सांसदों का 100% और सही मतदान सुनिश्चित करने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। संसद भवन परिसर के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आज शाम 6:30 बजे बीजेपी और सहयोगी दलों की यह ट्रेनिंग बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी समेत आला कमान मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में बड़ी दूरियां घटती नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार का विपक्ष साथ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा शुक्रवार को पटना पहुंचे और विपक्षी दलों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यशवंत सिन्हा का स्वागत किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए संविधान का मसौदा मंजूरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रशासकों की समिति ने इसे तैयार किया है। AIFF ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इसे शुक्रवार को शीर्ष अदालत में पेश किया गया। AIFF के कार्यवाहक महासचिव सुनंदो धर ने कहा, विभिन्न हितधारकों के साथ लंबी चर्चा के बाद AIFF के संविधान का मसौदा आखिरकार अदालत को सौंप दिया गया है। भारत जल्द ही अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान मिशन गगनयान को पूरा कर अंतरिक्ष में कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। हाल में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले साल भारत एक या दो लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए 2 परीक्षण किए जाएंगे जो कि इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। सफल होने के बाद ही तीसरी बार में मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी की जाएगी। बॉलीवुड के क्यूट कपल आलिया भट्ट और रणवीर कपूर जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। महेश भट्ट जल्द ही नाना बनने वाले हैं और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। महेश भट्ट ने कहा कि अभी तक आलिया जैसी बेटी के लिए पिता का रोल निभा रहे थे और अब उनकी बेटी मां बनने वाली है। आप आसमान में सरप्राइज की तरह देखते हैं। भारत सरकार सूचना या कंटेंट के इस्तेमाल को लेकर मौजूदा आईटी कानून में बदलाव की तैयारी में दिख रही है। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, सरकार चाहती है कि सरकार बड़ी टेक कंपनियों को जैसे गूगल, मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ट्विटर और अमेजन को भारतीय समाचार पत्रों और डिजिटल समाचार प्रशासकों को राजस्व का हिस्सा बनाने के लिए उपयोग के तौर पर देख रही है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शिवसेना द्वारा राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा करने के बाद शनिवार को मुंबई का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, सिन्हा का मुंबई का दौरा रद्द कर दिया गया है, जहां उनका महाविकास अघाड़ी के विधायकों में मुलाकात करने का कार्यक्रम था। सरकार ने प्याज को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह अगस्त से दिसंबर के बीच प्याज की बढ़ती कीमत है। इस दौरान प्याज अपनी बढ़ती कीमतों से आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी आंसू रुलाने लगती है, लिहाजा रेट प्रत्याशित तरीके से ना बढ़े इसके लिए सरकार ने प्याज को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया। पहले से ही प्याज की खरीदारी और स्टॉक बढ़ाना चालू है। सरकार ने वर्ष 2022-23 में बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से 2.5 लाख टन प्याज की खरीद की है और प्याज की खुदरा कीमतों बढ़ने पर वह बाजार में दखल देगी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर के मुकदमे पर बीते दिन पलटवार किया। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने $44 अरब की डील को पूरा करने के लिए मस्क पर दबाव बना रही है। डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में दाखिल किए गए जवाब में मस्क के वकीलों ने आरोप लगाया है कि ट्विटर ने फेक अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं दी है, ऐसा करने में देरी की गई, टालमटोल की कोशिश और तकनीकी बाधाएं डालने का भी प्रयास किया गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया उनके नाम है कुश कुमार, नूनू कुमार, रूपू कुमार, नीतीश कुमार, सिविल मोटिवेशनल गुरु दीपक कुमार, आनंद कुमार, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पासवान, सिद्धार्थ कुमार, रिया अंसारी, पी कुमार कृष्णा, सजन मांझी, लकी राज, रामेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब कमेंट में देते रहें, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आपके क्षेत्र में मानसून की बारिश हो रही है या नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।